इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा गाय के नाम पर केवल राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि गाय गाय करने या फिर गाय का नारा देने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि पहले देश व प्रदेश में गाय की दुर्दशा को सुधारा जाए, फिर गाय की बात करें। दिग्विजय चौटाला आज सिरसा में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में गाय की रक्षा करना हम सबकी संयुक्त जिम्मेवारी है, भाजपा को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अनिल विज के टाइगर पालने की बात पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार टाइगर पालने की इजाज़त दे तो शायद विज नहीं दिग्विजय सिंह चौटाला ही टाइगर पाल सकते हैं। अनिल विज जी का जो बयान मुझको लेकर के आज सामने आया कि दिग्विजय जी राजनीतिक बीमारी से ग्रस्त हैं। पहली बात तो अनिल विज जी का हम पिता की तरह सम्मान करते हैं, हमारे से बहुत बड़े हैं उम्र में, और शायद हमारा कल्चर यही सिखाता है कि हम उनका सम्मान करें। और वैसे भी वो नेक इंसान हैं, ऐसा नहीं है कि वो नेक इंसान नहीं है, मगर जहाँ तक कि उनने आज मेरे को लेकर के कुछ बातें कही हैं कि एक तो मैं राजनीतिक बीमारी से ग्रस्त हूँ, मैं किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं हूँ और मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, और मुझे लगता है कि जो व्यक्ति ऐसी बात कहे उसको शायद दोबारा सोचना चाहिए। उनने एक बात ये कही कि टाइगर राष्ट्रीय जानवर है, एनिमल है, और क्या दिग्विजय जी ने अपने घर में टाइगर पाल रखा है। गऊ पालक की बात करते हैं, मेरे घर में गऊ तो बहुत हैं, और चौधरी देवीलाल जी के ज़माने से लेकर के अब तक मैं चौथी पीढ़ी हूँ, और सैकड़ों गऊँ हैं जिनकी हम रक्षा भी करते हैं। गऊ को हम अपनी माँ का सम्मान भी, दर्जा भी देते हैं, और उनकी सेवा भी करते हैं, और गऊ पालक भी हैं, और हर तरीके से हमारे मन में, हमारे जद्दोजहन में गऊ के प्रति सम्मान है, था और रहेगा। उसको कोई व्यक्ति चेंज नहीं कर सकता, या बीजेपी के करने या ना करने से वो चेंज नहीं हो सकता। उनने कहा कि टाइगर क्यों नहीं पाल लेते, तो टाइगर पालना एनिमल लॉ के हिसाब से इस देश में अलाउड नहीं है, और अगर टाइगर पालना इस देश में अलाउड होता तो टाइगर को, क्योंकि उसको थोड़ा खतरनाक जानवर मानते, तो शहर के लोग तो पालते नहीं, वो मेरे जैसा गांव का ही आदमी पालता। सिरसा से अजार टीवी न्यूज़ के लिए सुरेंद्र सावंत की रिपोर्ट।